कांग्रेस के युवा कहे जाने वाले राहुल गांधी की आज ताजपोशी हो गई। राहुल गांधी के हाथों में आज से कांग्रेस की कमान है। राहुल आज निर्विरोध कांग्रेस अध्यक्ष बन गए। राहुल की ताजपोशी के दौरान सोनिया गांधी ने बतौर कांग्रेस अध्यक्ष अपना आखिरी भाषण दिया। सोनिया ने अपने भाषण में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को याद करते हुए उनकी तारीफ की, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ करने से मना कर दिया। राहुल का जिक्र करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि राहुल गांधी मेरा बेटा है, मुझे उसकी तारीफ करना उचित नहीं लगता। मैं बस इतना कहूंगी कि उसने बचपन में हिंसा का प्रकोप झेला है। राजनीति ज्वाइन करने के बाद उसे कड़े व्यक्तिगत हमलों का सामना करना पड़ा है। मैंने उसकी परवरिश एक मजबूत शख्सियत के रूप में की है। राहुल मेरा बेटा है, उसकी तारीफ करना मुझे उचित नहीं लगता, मगर मैं इतना जरूर कहूंगी कि बचपन से ही उसने हिंसा का अपार दुख झेला था, लेकिन राजनीति में आने पर उसने एक ऐसे भयंकर व्यक्तिगत हमले का सामना किया जिसने उसको और भी निडर और मजबूत दिल का इंसान बनाया है। मुझे उसकी सहनशीलता और दृढ़ता पर गर्व है और मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल पार्टी के नेतृत्व सच्चे दिल, धैर्य और पूर्ण समर्थन के साथ करेंगे। राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने पर कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित थे। कांग्रेस कार्यकर्ता सोनिया के संबोधन के दौरान लगातार पटाखे फोड़ते रहे, जिस वजह से सोनिया को अपना भाषण रुक रुक कर देना पड़ा। NMF न्यूज की रिपोर्ट।